हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मेरी अभी नहीं हुई है, गुड मॉर्निंग मेरी बहुत घंटे पहले हो गई थी. अभी तो 11 बज रहे हैं. 7 बजे मैं उठ गई थी, फटाफट से ब्रेकफास्ट और लंच रेडी किया, हस्बैंड को अपने ऑफिस भेजा लंच देकर, फिर खुद ब्रेकफास्ट किया, फिर टीवी देखा आराम से. फिर मुझे थोड़ा सा नींद का झटका आने लगा तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लेट गई थी. बट टाइम देखते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मतलब बॉडी कह रही है थोड़ा सा रेस्ट कर ले, सो जा, लेकिन नहीं. मैं जब देखा 11 बज गए, अरे बाप रे, क्योंकि मुझे हेड वॉश करना है तो मतलब मुझे लगता है कि पता नहीं इतना बड़ा काम लगता ना जिस दिन मुझे सर धोना होता है. तो बस मुझे ऐसा लग रहा है कि सो नहीं फटाफट से, भाई 11 बज गए, 12 एक, मतलब बहुत जल्दी टाइम चला जाएगा. आई डोंट नो मुझे ऐसी चुल्ली क्यों है, पता नहीं टाइम में मैं ऐसा बंधा सा क्यों महसूस करती हूँ, बिकॉज अभी मेरे पास ऐसा कुछ करने के लिए नहीं है, क्योंकि लंच भी मेरा बन चुका है और थोड़ा सा बस ये बेड वेड ऐसे फैला हुआ है, तो ये मुझे थोड़ा सेट करना है. आज मेरा मन कर रहा है, धूप निकल रही है इतनी बढ़िया, तो ऐसा मोटिवेशन आ जाती है धूप को देखते ना, बॉडी एक्टिव हो जाती है. तो आज मैं थोड़ा अच्छे से रेडी होंगी, कुछ रील्स और फोटोज़ क्लिक करूंगी और थोड़ा सा कुछ डिफरेंट मेकअप करूंगी. तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाती हूँ. पहले मैं फटाफट से नहा लेती हूँ और उसके बाद आपके साथ मैं पूरा गेट रेडी विद मी करूंगी. तो लेट्स गो. शावर ले लिया है, लेकिन मुझे करनी है पिक्चर क्लिक, तो गीले वाला में तो देखिए चलेगा नहीं, फटाफट से इनको करते हैं ड्राई. यू कैन सी मेरे बाल जो है बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, और मैं ये बिल्कुल डेली नहीं करती हूँ, बस जिस दिन अगर धूप ना हो या लेट मैंने हेड वॉश किया है या कहीं जाना है बस उस उसमें करती हूँ. तो काफ़ी देखो ऐसे फिजी से हो गए हैं, तो मैं थोड़ा सा इस पर जो है पैंटीन का रिपेयर एंड प्रोटेक्शन लगा लेती हूँ, जिससे कि ये थोड़े तमीज़दार हो जाए. और इतना मैं सिर्फ आज ही कर रही हूँ क्योंकि आज मेरा मन कर रहा है कि सुंदर से बाल लगे फोटोज़ में, रील में, और थोड़ा सा सोच रही हूँ कि आगे आगे से ये हल्का सा स्ट्रेटनर मार लेते हैं. क्या बोलती है पब्लिक, मेरे बाल कह रहे होंगे आज ही हमें इतनी इज्जत क्यों दे रही है. बट कभी कभी मन करता है ना ऐसे खुद को पैम्पर करने का, और बाल भी तो मेरे खुद के ही हैं. तो बस ये थोड़ा सा आगे आगे से, वैसे तो ड्रायर से भी काफ़ी जो है स्ट्रेट हो जाते हैं, इतने स्ट्रेट मेरे जिस दिन मैं वॉश करती हूँ उस दिन होते नहीं है, जनरली कर्ली रहते हैं पूरा शाम तक, लेकिन हाँ नेक्स्ट डे ये बिल्कुल ऐसे फुद्दू हो जाता है, इसलिए मैं करती नहीं हूँ कभी ऐसे ड्रायर और वो, क्योंकि मुझे पता है कि नेक्स्ट डे तो ये सुधर ही रहेंगे. लेकिन आज फोटोज़ के लिए, और मैंने इतनी मेहनत किसी रील के लिए या फोटो के लिए ना कभी भी नहीं करी है, बट मन कर रहा है आज. से ये काफ़ी ऐसे सटल से हो गए हैं, अब बहुत ज़्यादा भी कर लूँगी तो मैं बिल्कुल से चंपू लगूंगी. तो आई थिंक इट्स बालों का तो हिसाब किताब सेट हो चुका है, अब इस चेहरे का भी कुछ सेट कर लेते हैं. वो वाव, देखो मेरे वाइट बालों का हाईलाइट. 1 घंटा मुझे हो चुका है एंड आई एम हंग्री, सो आई नीड माई बनाना ब्रेक. सबसे अच्छा फ्रूट है बनाना, ना हाथ गंदे होते ना कुछ होते. तो मैं फटाफट से अपना मेकअप करती हूँ और थोड़ी बहुत आपसे चिट चैट करूँगी. वैसे मैंने ऑयल तो नहाने के बाद लगा लिया था, लेकिन फिर भी आप लोग पीछे जाओ थोड़ा सा और लगा. तो मैंने जो है बेस जो भी मैं करती हूँ वो कर लिया है, मैं इसके ऊपर कलाकारी करूँगी. सबसे पहले मुझे आइज़ का करती हूँ. कभी कभी ना ऐसे, मतलब पता नहीं मैं वीडियो जब बनाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं क्यों बना रही हूँ, मतलब कोई देखता नहीं है. मतलब पता नहीं ऐसा लगता है शायद टाइम वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मैं, मतलब मैं शुरू ये क्यों किया था. अगर मैं इंडिया में होती तो शायद मैं ये जर्नी स्टार्ट ही नहीं करती, मतलब ऐसे यूट्यूब का ये बिल्कुल नहीं करती. लेकिन मुझे बड़ी खुशी मिलती है, मैं पूरा दिन अकेली होती हूँ यहाँ पे, सबसे बातें करती हूँ अपने घर में या ससुराल में, जिससे भी सबसे होती है बातें. लेकिन उसके बाद भी
मन करता है कि कुछ मतलब किया जाए ना, तो इसलिए मतलब मैंने ऐसी ही रैंडमली ये जर्नी जो है स्टार्ट कर दी, और मुझे अच्छा लगता है बड़ा ऐसे कुछ भी अपना आप लोगों से शेयर करना, या तो मतलब मैं डिमोटिवेट होती हूँ बहुत बार, लेकिन फिर मैं ये सोच के मोटिवेट हो जाती हूँ कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट की है जर्नी और अब हम 60 प्लस हो चुके हैं, तो 100 भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो इस मोटिवेशन को मैं जो है अपने मन में रखती हूँ, और ये ब्लश हमारा बातें करते करते कुछ ज़्यादा ही लग चुका है, तो वो मैं अपने दिमाग में सोचती हूँ कि हो जाएंगे। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि मोस्टली अभी तक जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, वो मतलब मोस्टली ही मेरे जो है नोन लोग हैं, तो मैं सोचती हूँ कोई अननोन अगर जो मुझे जानेगा नहीं तो मुझे फॉलो क्यों करेगा। मतलब हम जानते हैं किसी को तभी तो उसे सब्सक्राइब करते हैं, उसकी उसको फॉलो करते हैं हमें। आज तो मेरी बिल्कुल ऐसे झट होने वाली थी, मैं ऐसे लाल लाल गाल करके बैठी हूँ, और मेरा लैंडलॉर्ड आ गया मतलब किराए के लिए लेने किराया, तो मैं कहाँ थी, मैं तो भूल ही गई कि मैं आपसे क्या बात कर रही थी। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि फिर मैं ये सोच के मतलब मोटिवेट खुद हो जाती हूँ कि अगर मैं वीडियोज़ नहीं बनाऊँगी तो मुझे कोई जानेगा नहीं, और कोई मुझे जानेगा नहीं तो फिर वो मुझे क्यों फॉलो करेगा ना। हम किसी को जानते हैं तभी तो उसको फॉलो करते हैं। देखिए मैं आईब्रोज़ करती हूँ, और मैंने ये ब्राउन लेकर आई थी चाइना मार्केट से, यहाँ पे एक चाइना मार्केट है, तो मैं ये आईब्रोज़ कर लेती हूँ ज़रा। अब मुझे ना बड़ा ऐसा डिफरेंस भी लगता है। थोड़ा सा ना मैं जैसे मेरी ज़्यादा मतलब डार्क ही हैं तो इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी एक वो तो इसलिए फिर मैं सोचती हूँ खुरापाती दिमाग में अपने कुछ, और वीडियो बनाने लगती हूँ। तो मैं चाइना मार्केट गई थी, वहाँ से माइक्रो पेंसिल लाई थी, और ये कलरफुल इसमें लिखा हुआ है आई शेडो हैं ये पेंसिल वाले, तो पता नहीं मैं इसे कुछ तो क्रिएट करूँगी 26 जनवरी पे, लेकिन अभी कुछ कंट्रास्ट बनाते हैं। मेरा स्काई ब्लू कलर का एक ड्रेस है, मैं वो पहनने वाली हूँ, तो कुछ लाइनर ये वाला लगाते हैं पिंक, देखते हैं कैसा लगता है। और ये आज मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ आप लोगों के सामने, ये तो चल ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा भाई, शेडो कहाँ से लगा देगा, ये तो चलना ही नहीं जा रहा। बहुत ऐसे रगड़ के चलाना पड़ रहा है तब चल रहा है। कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसका, तो कुछ पता नहीं चल रहा है। चाइना मार्केट का मतलब चाइना का सामान चाइना का ही होता है, बिल्कुल कुछ नहीं चल रहा है। मैं ब्लैक लाइनर ही लगा, सो वी आर डन विद लाइनर। मैंने ना ये मतलब कहीं ऐसे मतलब किसी को देखा था, नोटिस किया था मतलब कि शायद नीचे भी लगाते हैं तो काजल जो है ज़्यादा अच्छे से स्टे करती है। अब हम थोड़ा काजल भी लगा लेते हैं। इससे जो है देखिए आँखें जो बड़ी बड़ी लग रही है ना, तो काजल लग गई है, और थोड़ा सा विंग निकाल लेती हूँ। ये भी थोड़ा सा गीला हो जाता है, इसको भी सुखाना चाहिए। नाउ माय फेवरेट लिपस्टिक, तो ये ब्राउन वाला शेड है, इसे आज कुछ ऐसा न्यूड शेड का बना है, तो ये एक लाइट वाली लगाती हूँ। लिपस्टिक बड़े अजीब तरह से लगाती हूँ, तो मुझे सीख मत आना। सो मेकअप इज डन, थोड़ा सा ब्लश ऐड कर लेते हैं, और एंड सीरियसली ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखो होता है इसमें और इसमें, लेकिन बहुत क्यूट सा मेकअप हुआ है मेरा आज, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। सो मेकअप इज डन,
now it's time to change my clothes. So this is my outfit which I'm going to wear. Or चलिए करते हैं transition. 3, 2, 1. मेरी छोटी सी नॉट भी तो फॉर अ चेन कुछ एक्सेसरीज भी मैं पहनती हूँ. दीज क्यूट इयर रिंग्स एंड माई ओनली नेक पीस. स्ट्रगल इज रियल. आई डोंट हैव माई हीरो राइट नाउ. आई मीन अभी मेरा हीरो घर पे नहीं है लेकिन हम मजबूत ही रहेंगे. अरे मैंने उल्टा मिल गया क्या? तो हमने खुद ही ट्राई कर लिया. इट्स लुकिंग प्रिटी. नाउ सम हेयर स्टाइलिंग बट ऑनेस्टली आई डोंट रियली वांट टू डू द हेयर स्टाइलिंग. ओह कलाइयाँ तो मेरी सुनी हैं तो कलाइयों को with my favorite watch which my didi gifted me 3 years or I guess 4 years ago. This is my whole look. मैं पूरा आपको दिखाई नहीं पा रही हूँ. अब मैं जो है प्यारी प्यारी रील्स बनाऊंगी क्योंकि मैं बहुत देर तक ऐसे नहीं रह सकती रेडी होके. और नो क्योंकि ड्रेस मुझे काफ़ी फिट हो गई है तो मैं फटाफट से रील्स बनाती हूँ. और आप भी मेरी अच्छी अच्छी और क्यूट क्यूट सी रील्स देखने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं. मैं अपना इंस्टा हैंडल इधर लिख दूंगी. इट्स इति 27 ईयर. तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कीजिए. और यस आज मैंने खुद को ऐसी पैम्पर किया लाइक रेडी होके अच्छे से सुंदर बनी. और सैड पार्ट ये है कि मुझे कहीं नहीं जाना है. मुझे उसको सबको ऐसे फोटो वोटो क्लिक करती हूँ और रील्स बनाती हूँ और उसके बाद अपने फिर से होमली अवतार में आ जाऊँगी. तो आई थिंक आई शुड एंड दिस व्लॉग हियर. एक बचने वाला है और मेरा लंच टाइम हो गया है. तो अब मैं लंच करूँगी, टीवी देखूँगी, इसकी किसी से बातें करूँगी फ़ोन पे और ऐसे ही बस शाम हो जाएगी और मेरा दिन ऐसे ही निकल जाता है. तो आगे व्लॉग को कंटिन्यू करने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं है. तो और इट्स जस्ट वेरी रैंडम और ऐसे ही छोटा सा ब्लॉग था मतलब गेट रेडी विद मी टाइप. थैंक यू फॉर वॉचिंग. खुश रहो, सबको खुश रखो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी मैं कोई शॉर्ट्स या कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. और यस सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.